आगामी ईद के त्यौहार को देखते हुए ली गई शांति समिति की बैठक मुस्लिम समुदाय के सदर रिजवान मोहम्मद के साथ शहर के गणमान्य नागरिक रहे उपस्थित। सर्किट हाउस प्रांगण में आगामी ईद त्यौहार को देखते हुए मुस्लिम समुदाय की शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के गणमान्य नागरिक व पन्ना कोतवाली थाना प्रभारी अरुण सोनी व तहसीलदार पन्ना उपस्थित रहे। समस्त ने कोरोना संक्रमण के विस्तार को देखते हुए प्रशासन के सहयोग की बात कही। शहर सदर रिजवान मोहम्मद ने सभी से अपील करते हुए कहा है कि घर पर ही रहकर नमाज अदा करें। इस कर्फ्यू के कारण कई लोग खाने तक को मोहताज हैं, गरीब असहाय की मदद करें, लोगों की मदद, कर्फ्यू का पालन की अपील की। पन्ना, आपसे गुजारिश करता हूं कि जैसे रमजान के पूरे महीने आपने जो रोजे रखे व जो अपना दिन रात इबादत में गुजारे हैं, ईद उसी के इनाम व इकराम पाने का दिन है और अल्लाह से इसका शुक्र अदा करने का दिन है और शुक्र अदा करने का दिन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारी दुनिया और हमारा मुल्क कोरोना की महामारी से की चपेट में है। हम सभी इस मुल्क के जिम्मेदार नागरिक हैं, इसलिए हमारा भी फ़र्ज है कि हम देश के नागरिकों के साथ और प्रशासन के साथ इस बीमारी से लड़ने में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें। ईद की नमाज आप अपने अपने घरों में अदा करें। प्रशासन की तरफ से सिर्फ 5 लोगों को मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने की मंजूरी दी गई है, इसलिए वहाँ भीड़ ना बढ़ाएं। आप लोग अपने अपने घरों में इबादत करें व दुआ करें कि अल्लाह इस महामारी से हमें और हमारे मुल्क को की हिफाजत फरमाए। आप लोग इस साल बड़ी ही सादगी से ईद मनाएं। इस समय सारे मदरसे मस्जिदें बंद हैं, तो हम आप जो भी फितरा जका सदका का करना चाहते हैं उसे अपने आसपास की ज़रूरतमंद गरीब बेसहारा लोगों की मदद करें। अल्लाह ने आपको पैसा नवाजा है तो अस्पतालों में दवाइयों, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस आदि के इंतजाम में मदद करें। ईद तो हमारी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह बहुत आएंगी, इस बार बहुत सादगी से ईद मनाएं, सामाजिक दूरी बनाए रखें, सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें। पूरा प्रशासन, शासन, स्वास्थ्यकर्मी हम सबकी ज़िंदगी बचाने में लगे हुए हैं, उनका सहयोग करें। आप सभी से गुजारिश है कि कोरोना का टीका जरूर से ज़रूर लगवाएं। मैं और मेरा परिवार कोरोना का टीका लगवा चुका है, जिसके कोई नुकसान नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि आप टीका लगवा कर अपने को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अस्सलाम वालेकुम, आपको सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। रिजवान मोहम्मद।